खैर यही तो डिमांड थी पब्लिक की प्रभास से कि वो ऐसी एक पावरफुल फिल्म करें, और फिलहाल तो टीजर को देख के यही लगा कि हाँ ये वो फिल्म हो सकती है प्रभास की तरफ से जो उनको एक अच्छा कमबैक दिलवाएगी बाहुबली के बाद। जी हम बात करने वाले सलार के टीजर के बारे में जो फाइनल रिलीज हो गया है इतने इंतजार करने के बाद, और जो रिलीज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे पर हाँ इस इंट्रो के बाद। तो हाँ भाई यार पूरी तरीके से घूसबम, मतलब सच में घूसबम देख के जो देखने को मिला है ना सच में उसको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जो एक एक्साइटमेंट बनी हुई थी इस पूरी मूवी को लेके उसको प्रॉपर मेंटेन रखा है, पूरे अपने हाइप को मैनेज करके गया है पूरा टीजर, क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें देखने को मिली हैं चाहे वो एक्शन में हो या प्रभास के लुक के तरफ से हो या उनकी तरफ से जो पूरा वॉयलेंट कैरेक्टर देखने को मिला उनका, मतलब प्रॉपर तरीके से अपने हाइप को बनाए रखते हैं और प्रॉपर तरीके से ये पूरा टीजर इस मूवी की जो हाइप बनी हुई थी उसको आगे बढ़ाता है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाता है। टीजर का जो मेन हाईलाइट है वो है प्रभास का इंट्रोडक्शन सीन, जिस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो उनका एक्शन देखने को मिलता है उनकी तरफ से और जिस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, मतलब मजा आएगा देख के आपको, मतलब स्क्रीन पे आपके रोंगटे खड़े होंगे देखते टाइम, अच्छा लगेगा गारंटी से अच्छा लगेगा और मतलब एक अलग ही फील क्रिएट करता है वो जो उसको करना चाहिए था। उसके बाद पीछे उसका पूरा बीजीएम, वाह सच में दिल खुश हो गया सुन के, सच में खुश हो गया। जो एक जादू सोच रहे थे हम लोग कि यार दोबारा प्रशांत नील क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, देख के तो ये लग रहा है कि हाँ भाई करेंगे और गारंटी से करेंगे, प्रभास को भी एक अच्छा कमबैक दिलवाएंगे और वो भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाएंगे, और फिलहाल देख के यही लगा पूरे टीजर को। पूरे टीजर को देख के यार स्टोरी को क्लियर नहीं बोल सकते हैं क्या क्या हो सकता है और क्या क्या देखने को मिल सकता है, पर जो फिलहाल जो बेसिक चीज़ें देखने को मिली वो अच्छी थी, पसंद आई। अपने स्टोरी को छुपाता है और काफ़ी कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो आपके एक्साइटमेंट को बढ़ा देगा मूवी के लिए और मूवी के अंदर आप और ज़्यादा करने लगोगे। बाकी प्रोडक्शन वैल्यू वाइज भी टीजर काफ़ी हद तक बढ़िया लगा, पसंद आया, वहाँ भी कुछ चीज़ें खराब देखने को नहीं मिली उसकी भी आप तारीफ़ करोगे। एडिटिंग काफ़ी हद तक शानदार है, बहुत सारी चीज़ों को छुपा लिया जाता है और एक तरीके से प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिलता है प्रभास के कैरेक्टर का, और ये एक अच्छी बात थी क्योंकि जो ऑडियंस है वो प्रभास को देखना चाह रही थी स्क्रीन पे और उन्हीं को प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है, बाकी सबको इंट्रोड्यूस कराया गया है और अच्छे तरीके से कराया गया है। देखो यार टीजर को देख के जो मुझे लगा मैं उसको यही बोलूंगा कि हमारी पूरी तरीके से घूसबम था और मजा आया, तो ओवरऑल बोल रहा हूं तो टीजर मुझे पसंद आया, काफ़ी हद तक पसंद आया और मैंने इन्जॉय किया, जो मुझे चाहिए था वो देखने को मिला है और ये मेरा ओपिनियन है, मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया उसको मैं आराम से बोल सकता हूँ। हो सकता है मैं एक फ़ैन की नज़र से बोल रहा हूँ पर मुझे वो चीज़ यार अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं और मेरी उम्मीदों पे वो खरी उतरी हैं, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा खराबी देखने को मिली नहीं है, चाहे प्रोडक्शन वैल्यू वाइज हो या बीजीएम वाइज हो या जिस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया है प्रभास को वो हो या जो सिनेमाटोग्राफी देखने को मिल रही है या जो एक्शन देखने को मिल रहा है, हर चीज़ अच्छी है इसको आराम से बोल सकते हैं और उम्मीद जग रहा है कि हाँ भाई ये मूवी यार पक्का बवाल मचाएगी और अच्छे तरीके से मचाएगी। बाकी आपको टीजर कैसा लगा, कितना पसंद आया, कितना अच्छा लगा ये कमेंट कर दो, और क्या खराबी लगी क्या अच्छा लगा ये भी कमेंट कर दो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नया हो तो सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब कर लो यार, मिलते हैं वीडियो साथ में।